गुड इवनिंग ब्रजेश, किशोर, प्रशांत, नीतीश। ठीक है, देखो ये पहला क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन, है ना। और ये सब क्वेश्चन सबसे बनता है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लीट एंगल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन सभी से बनता है ना। कि ऑप्शन में दे देगा 0 से 1.5 डिग्री, 0 to 2.5 डिग्री, 1.5 to 2.5 डिग्री, या मोर देन 3 डिग्री, ऐसा भी ऑप्शन देता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, फ्लीट एंगल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका आंसर बताओ सभी लोग। वन पॉइंट फाइव डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। कॉप वाइंडर, ये हो गया ड्रम वाइंडर के केस में, ठीक है। ड्रम वाइंडर के केस में फ्लीट एंगल 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कॉप वाइंडर के केस में फ्लीट एंगल कितना होता है, जो कॉपे वाइंडर या कॉप वाइंडर जो भी पढ़ो, जो जिसको जैसे पढ़ते हो, इस केस में फ्लीट एंगल क्या होता है। तो क्या होता है कि कॉप वाइंडर में फ्लीट एंगल होता ही नहीं है, ठीक है। कॉप वाइंडर में फ्लीट एंगल जो भी जीरो वगैरह बोल रहे हो, नहीं, कॉप वाइंडर में फ्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। वाटर सील हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, वेयर यू विल प्रोवाइड वाटर सील, स्टोइंग पाइप में, एक्सप्लोसिव कार्टेज में, वाटर रिजर्वायर में, या आइसोलेशन स्टॉपिंग में। ये कहाँ हम लोग प्रोवाइड करते हैं वाटर सील, आइसोलेशन स्टॉपिंग में। वाटर सील का काम क्या होता है, मान लो ये स्टॉपिंग है, ठीक है, ये स्टॉपिंग है। स्टॉपिंग का मान लो इस साइड क्या हुआ है, ये अंदर वाला है, इधर मतलब इधर हम लोग, मान लो हम लोग इधर सैंपल ले रहे हैं, और पीछे साइड में क्या हुआ, पानी जमा हो गया है, ठीक है। तो पानी को बाहर निकालने के लिए वाटर सील का व्यवस्था किया जाता है, यह स्टॉपिंग में होता है। कि जो भी पानी स्टॉपिंग के पीछे जमा हो, वो एक यहाँ डिच कटिंग कर देते हैं, गड्ढा बना देते हैं, और उसमें एक पाइप टाइप से डाल देते हैं, और पाइप का जो एंड रहता है वो हमेशा पानी में डूबा हुआ रहता है। क्योंकि अगर पानी से निकला हुआ रहेगा बाहर, तो हवा खींच के पता चलेगा ऑक्सीजन चला जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर, स्टॉपिंग के अंदर। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा पानी में डूबा हुआ होना चाहिए बाहरी एंड। ये वाटर सील हम लोग स्टॉपिंग में बनाते हैं। अभी 1 मिनट हुआ है स्टार्ट हुए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग गोफ एज में है ना, जो सपोर्ट रहता है उसको तो पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बनाते हैं, जो गोफेज सपोर्ट होता है, जब हम लोग डिप्लेयरिंग वगैरह करते हैं तो बोलते हैं ना कि गोफेज सपोर्ट लगाते हैं, स्किन टू स्किन सपोर्ट लगाते हैं, स्किन टू स्किन सपोर्ट लगाते हैं, क्यों, आदमी भी ना घुस पाए। तो हम लोग उसको स्ट्रोंग क्यों बनाते हैं, कि इमीडिएट रूप को इंटेक्ट रखने के लिए, कि मतलब इमीडिएट रूप ना हिले डुले उसके लिए, नहीं, कोल बम को रोकने के लिए नहीं, सपोर्ट रिक्वायरमेंट इन अदर एरिया विल बी मिनिमम, कि हम लोग गोफेज में सपोर्ट अच्छे से कर लेंगे तो क्या अदर एरिया में सपोर्ट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, नहीं। वहां से क्या होगा कि अगर मेरा गोफेज में सपोर्ट अच्छे से लगा देंगे, मान लो इधर पिलर है, इधर गोफ हो गया है, ये मान लो गोफेज वाला जगह है, ये यहाँ क्या हो गया, दो पिलर के बीच में गोफेज सपोर्ट लगा दिए, इससे क्या होगा, अगर हम स्ट्रोंग गोफेज सपोर्ट लगाएंगे तो रूफ वहीं से ब्रेक होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, हेल्प करता है, रूफ को ब्रेक होने में हेल्प करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लैक डैम वगैरह दिया हुआ है आपके एग्जाम में, वेंटिलेशन में दिया हुआ है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। सम्प वाले भी केस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वाई लाइम इज स्प्रिंकल्ड ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक डैम, कि जहां पे ब्लैक डैम का एक्यूमुलेशन होता है तो वहां पे हम लोग चूना को क्यों छिड़कते हैं, उससे क्या फायदा होता है। तो क्या होता है, चूना CaO होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना का यही फॉर्मूला है। अब ब्लैक डैम में क्या होता है, CO2 होता है, ये दोनों मिलकर क्या कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं।
यही काम है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लैक डैम में प्रेजेंट है ना, उसके कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड वहां से खत्म हो जाएगा, ब्लैक डैम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेन होल का डायमेंशन सभी को पता है क्या होता है? मेन होल का हाइट, मेन होल का हाइट, विड्थ और मेन होल का ये डेप्थ की अगर बात करें तो, अगर ये डेप्थ की बात करें तो मेन होल का डेप्थ कितना होता है? मेन होल का पहले तुम लोग डायमेंशन बताओ, मेन होल का हाइट क्या होता है? अगर रूफ हाइट ग्रेटर देन 1.8 मीटर है तो मेन होल का हाइट तो 1.8 मीटर कम से कम, मतलब इतना रखना चाहिए मेन होल का हाइट 1.8 मीटर। जो विड्थ रहेगा वो 0.75 से कम नहीं और 1 मीटर से ज्यादा नहीं, और ये वाला जो डेप्थ है अंदर वो डेप्थ 1.2 मीटर है ना। हाइट ठीक है, हाइट नॉट लेस देन 1.8 मीटर है, सभी लोग सही बोल रहे हो। चौड़ाई 0.75 से कम नहीं और 1 मीटर से ज्यादा नहीं, और डेप्थ कितना रखते हैं? डेप्थ 1.2 मीटर रखते हैं। और कितना दूरी तक हम लोग पूरा व्हाइट वॉशिंग करते हैं अपर्चर से, कितना दूरी तक हम लोग व्हाइट वॉशिंग करके रखते हैं, ये एरिया चमका कर रखते हैं, कितना दूरी तक जल्दी से बताओ सभी लोग। 0.3 मीटर तक व्हाइट वॉश करके रखते हैं। और इसमें बता दो कि मेन होल अगर रूफ हाइट 1.5 मीटर रहेगा, रूफ हाइट 1.5 मीटर रहेगा तो उस केस में मेन होल का हाइट क्या होगा? जैसे बर्म वाला क्वेश्चन आता है ना, उसी तरीके से यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रूफ हाइट 1.5 मीटर है तो उस केस में जो हाइट रहेगा मेन होल का वो भी क्या रहेगा? जितना हाइट है पूरा 1.5 मीटर रखना है। अगर ग्रेडियंट 1:6 या स्टीपर रहेगा, 1:6 और स्टीपर रहेगा तो मेन होल के बीच इंटरवल कितना होता है? दो मेन होल के बीच का अंत कितना दूरी दूरी पे मेन होल बनाएंगे? यहां 10 मीटर 20 मीटर आ रहा है आंसर। ग्रेडियंट का क्या कॉन्सेप्ट है, 1:5 दिया हुआ है या 1:6 दिया हुआ है, पहले ये बताओ। जो बुक में दिया हुआ है ग्रेडियंट का, 1:5 दिया हुआ है या 1:6 दिया हुआ है? ग्रेडियंट 1:6 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है कि जब 1:6 या उससे स्टीपर रहेगा, स्टीपर मतलब क्या, 1:5, 1:4, 1:3 ऐसा रहेगा तो उस केस में जो रहेगा कितना रहेगा, 10-10 मीटर के अंतराल पे रहेगा। और 1:6 से लेस रहेगा, 1:6 से लेस मतलब क्या, 1:7, 1:8, 1:9 ऐसा वाला सिचुएशन रहेगा, मतलब क्या हो गया, सिम फ्लैट हो गया। तो फ्लैट वाले सिम में क्या रहेगा, दो मेन होल के बीच का अंतराल हम लोग 20-20 मीटर रख सकते हैं। लेकिन अगर स्टीपर सिम रहेगा तो क्या रहेगा, मान लो मेन होल क्या है कि हॉलेज रोडवे में दिए हुए हैं, हॉलेज रोडवे स्टीप है, इधर से टब आ रहा है तो आदमी को भागने का भी तो टाइम मिलना चाहिए। अब आदमी क्या है कि अगर फ्लैट सिम रहेगा तो दौड़ के आदमी है कि 20 मीटर जा सकता है फ्लैट सिम में, लेकिन अगर स्टीप सिम रहेगा और वहां पे अगर 20-20 मीटर रख देंगे तो पता चला कि आदमी बीच में ही फंस गया। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है ना, कि मेन होल के बीच जो इंटरवल होना चाहिए वो 10 मीटर और 20 मीटर क्यों रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैलरीज को हम लोग समटाइम्स स्टेगर्ड क्यों बनाते हैं? पहले बहुत लड़के लोग को पता नहीं होगा कि स्टेगर्ड होता क्या है, ठीक है, कि गैलरी को समटाइम्स हम लोग स्टेगर्ड क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आया हुआ था। तो देखो ये पिलर है, ठीक है, ये पिलर है,
गैलरी हो गया, जंक्शन हो गया, जंक्शन का भी बहुत बार बात आता है। जैसे देखो क्या हो गया, ये सब गैलरी है, ठीक है, ये क्या है, गैलरी है, ये क्या है, गैलरी है, इधर से भी अपना ये गैलरी है। तो स्टेगर्ड मतलब अभी क्या हो गया कि मेरा जो दोनों जो पिलर है दोनों एकदम एक लाइन में, ठीक है ना, इसको मान के चलो कि एक लाइन में है। तो अभी क्या है कि रूफ एक्सपोजर देखो, इतना पूरा रूफ एक्सपोज है, ठीक है, इतना पूरा रूफ एक्सपोज है। जब स्टेगर्ड कर देंगे, स्टेगर्ड मतलब क्या कि एक गैलरी ऐसा रहा, दूसरा गैलरी हम मान लो दूसरा पिलर हम इस तरीके से रखे, इस तरीके से रखे, इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्सपोजर कम हो जाएगा, ठीक है, रूफ का एक्सपोजर कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या था कि पूरा एक्सपोजर बहुत था, लंबा चौड़ा एरिया एक्सपोज कर रहा था, यहाँ पे क्या है आगे पीछे कर दे रहे हैं, ठीक है ना, दो मतलब जिस तरीके से होल कैसे मारते हैं कि स्टेगर्ड पैटर्न में होल क्या होता है कि दो होल के बीच में तीसरा रो करते हैं, तो उसी तरीके से पिलर क्या है कि एक लाइन में नहीं रहता है, पिलर को थोड़ा हम लोग आगे पीछे कर देते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है टू अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ रूफ एट प्लेस। तो वाई गैलरीज आर समटाइम्स स्टेगर्ड इसी कारण से कि एक्सेसिव रूफ का एक्सपोजर ना हो जाए, इसलिए गैलरी को हम लोग स्टेगर्ड बनाते हैं। और इसका आंसर नहीं बताया ना हम, इसका आंसर क्या होगा कि 1.0.75 से कम क्यों नहीं रखना चाहिए, 1 मीटर ज्यादा क्यों नहीं रखना चाहिए, कि नो टू अलाउ टब टू इंटर इंटू द मेन होल, कि टब मेन होल में इंटर ना कर जाए, इसके लिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सम से अगर क्वेश्चन आने का चांस है तुम लोग के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के एग्जाम के लिए सम्प से, कि व्हाई इट इज मैंडेटरी टू रिमूव सिल्ट फ्रॉम द सम्प। इसका सीधा ऑप्शन यही है, टू मैक्सिमाइज द सम्प कैपेसिटी। सम्प कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्ट को सम्प से हटाना बहुत ही जरूरी है, जो हम लोग एनसीएल वाले में पढ़े थे ना, गेबियन वाल। गेबियन वाल भी क्यों बनाते हैं कि सिल्ट वगैरह जमा ना हो, इसीलिए। आठवां नंबर क्वेश्चन देखो, ये जब स्टोन डस्ट बैरियर पढ़ा रहे थे तो उस टाइम बताए भी थे कि जो हैवी टाइप ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर होता है उसको फेस से एकदम दूरी पे क्यों रखते हैं, और लाइट टाइप बैरियर को नजदीक रखते हैं। तो क्या बोलता है कि जो हैवी टाइप बैरियर रहता है उसमें स्टोन डस्ट क्या होता है, क्वांटिटी भी ज्यादा होता है और दूर में रहता है, तो जो वेव, जो एक्सप्लोजन वेव रहेगा वो जितना दूर तक ट्रेवल करके जाएगा उतना स्ट्रोंगर बनते हुए जाएगा, और अगर पूरा स्ट्रोंगर रहेगा एक्सप्लोजन वेव और सामने रख देंगे लाइट बैरियर को, तो क्या होगा, लाइट बैरियर में जो स्टोन डस्ट रहेगा वो सफिशियंट रहेगा ही नहीं कि एक्सप्लोजन वेव को वहां रोक पाए, तो वहां से आगे बढ़ते हुए जाएगा, इसलिए हम लोग क्या रखते हैं, एक हैवी टाइप ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर रखते हैं कि जब एक्सप्लोजन वेव आएगा ना तो उसमें इतना क्वांटिटी में स्टोन डस्ट रहेगा कि वो एक्सप्लोजन वेव के कारण क्या होगा, हवा में सारा स्टोन डस्ट फैल जाएगा और वेव को वहीं पर रोक लेगा। तो वही है, द वेव ऑफ एक्सप्लोजन बिकम्स अ स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर एज इट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द फेस रिक्वायरिंग मैक्सिमम स्टोन डस्ट टू टेकल इट। मतलब इसको क्या है कि फेस से जितना दूरी तक ट्रेवल करते हुए जाएगा एक्सप्लोजन वेव उतना ज्यादा वो खतरनाक रहता है, तो उसके लिए उसको टेकल करने के लिए उतना ही ज्यादा मात्रा में स्टोन डस्ट चाहिए होता है, इसलिए हम लोग हैवी टाइप ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर जो रहता है वो फेस से एकदम दूर वाले लोकेशन पे रखते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, स्टोन डस्ट बैरियर वगैरह से कुछ भी क्वेश्चन अगर बनता है ना तो एग्जामिनर के भी माइंड में, क्योंकि पहले से मान लो जो एग्जामिनर जो सेट कर रहा है क्वेश्चन वो भी तो कभी पढ़ा हुआ है, तो उसका माइंड में यही क्वेश्चन है कि हम लोग ऐसा क्वेश्चन सेट कर दो लड़का लोग के एग्जाम के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन डिप्लरिंग का क्वेश्चन है कि व्हाई फॉर्मेशन ऑफ वी बिटवीन टू गोब्स इज अवॉइडेड ड्यूरिंग डिप्लरिंग। मतलब वी क्यों अवॉइड करना चाहिए, इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो वी बन जा रहा है ना तो वो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर वाला सिचुएशन में आ गया, यहाँ पे जो पिलर वगैरह होगा ना वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाले सिचुएशन में आ गया था, इसका क्रशिंग होने का चांस रहेगा, प्री मेच्योर क्लोज होने का चांस रहेगा, तो इसीलिए।
टू अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर एट वी पॉइंट, कि वी पॉइंट पे एक्सेसिव प्रेशर कंसंट्रेशन ना हो जाए, इसलिए हम लोग को जब भी हम लोग डिप्लरिंग करते हैं ना, तो कभी भी भी नहीं बनना चाहिए। भी बन गया मतलब खतरनाक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि वाई ए लेयर ऑफ कोल इज लेफ्ट अगेंस्ट द सेली रूफ, कि जब सेल का रूफ रहता है ना, मान लो ये गैलरी है, ये रूफ है, तो अगर सेल का रूफ रहा तो बोला जाता है कि कुछ हम लोग को उसके अगेंस्ट में जो है ना कोयला छोड़ देना चाहिए। कितना मीटर छोड़ते हैं? 0.6 मीटर। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि सेल जो रूफ रहता है ना, उसका टेंडेंसी रहता है टू डिपार्ट फ्रॉम द इमीडिएट कोल रूफ। सेल के पास क्या टेंडेंसी है कि इमीडिएट रूप से है ना वो डिपार्ट हो जाए वहां से, मतलब सेपरेट हो जाए और गिर जाए। इसीलिए कोयला उसके अगेंस्ट में कुछ 0.6 मीटर थिकनेस का कोयला छोड़ दिया जाता है। तो जो मेथड ऑफ एग्जामिनिंग रूफ एंड रोडवे वगैरह जो भी है ना, तो वहां के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 10 का जो भी क्वेश्चन है ना, सब मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का 10 जो है जो पढ़ाए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। मतलब 3 एग्जाम होने वाला है, ये सब तो सिलेबस में दिया हुआ ही है, तो क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा। क्योंकि सेल रूफ के पास मतलब वही जो लड़का लिख रहा है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का एफिनिटी रहता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा वो गिर जाता है। और थोड़ा सा आज हम लोग एक रेस्क्यू का भी डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है? आज बाकी रेस्क्यू का, फिर हम लोग क्या बोलते हैं थोड़ा रूफ सपोर्ट में आएंगे। अभी थोड़ा सा रेस्क्यू का जो कुछ क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, बस उतना ही क्वेश्चन है, रेस्क्यू का डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आज माइंस रूल वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, माइंस रूल नेक्स्ट क्लास में कभी जब भी करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। क्या हो गया, क्या हो गया नितिन? नितिन बोलो। हाँ, बोलो, सुन रहे हैं। स्टोइंग करने के लिए बालू और इसका रेशियो, अलग अलग रेशियो है, दिया हुआ है बुक में, दिया हुआ है रेशियो। देखो रेशियो क्या है, 1:1.5 पे सेंड और वाटर का रेशियो हम पढ़ाए नहीं है। स्टोइंग का क्लास जब नेक्स्ट होगा ना, तो उस केस में ये बता दिया जाएगा कि दिख रहा है यहाँ पे 1:1.5, कि अगर 1:1.5 वाला रहेगा रेशियो, तो उस केस में 1 टन सेंड रहेगा तो 935 लीटर पानी रहेगा, और जब 1:2 वाला रेशियो रहेगा तो 1 टन सेंड में 1100 लीटर अप्रोक्स पानी रहेगा। ठीक, लेकिन अभी ये क्वेश्चन तुमको पूछना नहीं चाहिए था। देखो जो सेल का था ना, कि सेल रूफ क्या होता है, ट्रेकारियस, ट्रेकेरियस बोलो, और मोस्ट अनरिलायबल होता है, जो गिरने के पहले वार्निंग देता ही नहीं है, रेयरली गिव्स वार्निंग। और जैसे इसको अगर इट वेदर्स क्विकली, अच्छा ठीक है, इसका वेदरिंग जो होता है बहुत ही ज्यादा क्विकली हो जाता है अगर वो एक्सपोज होता है एटमोसफेयर में, तो इसके कारण वो गिर जाता है वहां से। तो इसलिए बोला जाता है कि 0.6 मीटर कोयला नियर ए सेली रूफ ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ए माइन, अगर सिम थिकनेस परमिट करता है तो हम लोग को छोड़ देना चाहिए। आवाज आओ, पढ़ते रेस्क्यू थोड़ा फास्ट में करेंगे, ठीक है? क्योंकि और थोड़ा कवर करना है कि
कि प्रत्येक बिलो ग्राउंड माइंस में, जहां पे कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, कितने किलोमीटर रेडियस के अंदर में अगर कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, तो ओनर जो रहेगा माइंस के सरफेस पे एक रेस्क्यू रूम एस्टेब्लिश करेगा। तो क्या था इसका आंसर कि अगर 35 किलोमीटर के अंदर में कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं रहा माइन से, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, एक रेस्क्यू रूम एस्टेब्लिश कर लेगा ओनर। ये बताओ माइंस रेस्क्यू रूल आया कब है, माइंस रेस्क्यू रूल कब लागू किया गया है, कब आया है? डेट बताओ। माइंस रेस्क्यू रूल 2 अप्रैल 1985 को आया है। इंडिया 2 अप्रैल 2011 को वर्ल्ड कप जीता है, तो 1985 में क्या आया है, उसके पहले 1983 में भी वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन उसका डेट पता नहीं। 85 वाला ध्यान रखना है, क्योंकि तुम लोग एग्जाम में डेट भी दे देता है कि 2 अप्रैल 1985 को रेस्क्यू रूल आया है। और जो रेस्क्यू रूल है अंडरग्राउंड के लिए अप्लीकेबल है, ओपन कास्ट के लिए अप्लीकेबल है, बोथ के लिए अप्लीकेबल है या नन, इसका आंसर बताओ। तो हमको विश्वास है कि इसका आंसर कुछ लड़का लोग जरूर गलत बताएगा। सिर्फ अंडरग्राउंड के लिए है या ओपन कास्ट के लिए है या दोनों के लिए है या किसी के लिए नहीं है, कोई तो बताओ कि दोनों के लिए है। कोई नहीं बोल रहे हो यार, ठीक है, चलो तुम लोग का तैयारी बढ़िया चल रहा है, नहीं तो हमको लगा कि उम्मीद तो था कि कोई ना कोई तो बताएगा। ठीक है, सिर्फ अंडरग्राउंड के लिए अप्लीकेबल है। देखो संजीत सिंह बोथ, संजीत हम बोले इसलिए बोल रहे हो या सिर्फ अंडरग्राउंड के लिए अप्लीकेबल है? ठीक है, इट मे बी सफिशियंट टू प्रोवाइड वन रेस्क्यू रूम फॉर ए नंबर ऑफ माइंस। अब मान लो कि एक एरिया है, एक एरिया के अंदर बहुत सारा माइंस रहा, ठीक है ना, या दो तीन एरिया के अंदर बहुत सारा माइंस है, मान लो, तो रेस्क्यू रूम जो है एक ही रेस्क्यू रूम से सभी को सर्व किया जा सकता है। कब? अगर नंबर ऑफ पर्सन कितना से अधिक नहीं होगा कि एक ही रेस्क्यू रूम से बहुत सारे माइंस को सर्व किया जा सकता है, लेकिन उस केस में सभी माइंस का मिलाकर मैन पावर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 5,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। जब मान लो रेस्क्यू रूम बनाए हैं सरफेस पे, जब रेस्क्यू स्टेशन नहीं था, रेस्क्यू रूम सरफेस पे बनाया गया है, और अगर जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, अगर चीफ इंस्पेक्टर परमिशन दे दिया है कि ठीक है 5,000 से भी ज्यादा आदमी है तो ठीक है, फिर भी आप रेस्क्यू रूम बना के चलिए, उसको हेल्प कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस केस में ये बताओ रेस्क्यू रूम क्या नहीं कर सकता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेस्क्यू से रिलेटेड। तो उस केस में क्या है कि रेस्क्यू रूम जो है ना, जो इनिशियल ट्रेनिंग जो होता है रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क में, ये नहीं दे सकता है, ये चीज रेस्क्यू रूम वाला नहीं दे सकता है। अगर चीफ इंस्पेक्टर अलाउ कर दिया है कि 5,000 से ज्यादा भी आदमी रहे, ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड रहे 5,000 से ज्यादा आदमी, तो फिर वो रेस्क्यू रूम से क्या नहीं हो किया जा सकता है, इनिशियल ट्रेनिंग है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, एक दो एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो रेस्क्यू टीम होता है, इसका कॉम्बिनेशन बता दो, मतलब रेस्क्यू स्टेशन में जो पूरा एक टीम होता है जिसमें सुपरिटेंडेंट होता है प्लस इंस्ट्रक्टर होता है प्लस रेस्क्यू टेंट पर्सन है होता है, कितना कितना होता है बताओ? सुपरिटेंडेंट कितना होता है, जो रेस्क्यू स्टेशन में जो रेस्क्यू ब्रिगेड होता है उसमें सुपरिटेंडेंट कितना होता है? एक सुपरिटेंडेंट, एटलीस्ट कितना इंस्ट्रक्टर? दो इंस्ट्रक्टर रहा और कम से कम 18 रेस्क्यू टेंट पर्सन रहा। तो वही है कि रेस्क्यू ब्रिगेड में कितना रेस्क्यू टेंट पर्सन होता है, वो
18 कम से कम होता है। अब कितना इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, हाउ मेनी इंस्ट्रक्टर शुड बी देयर, दो इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। हाउ मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब सुपरिटेंडेंट के लिए किसी को सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करना है रेस्क्यू स्टेशन का, तो उस केस में उसको बिलो ग्राउंड माइंस का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो सुपरिटेंडेंट के लिए क्या है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो तुम लोग ये बता दो कि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर हम लोग अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं, तो इसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? वर्कमैन इंस्पेक्टर के पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? इसका आंसर 5 है, ठीक है ना। वर्कमैन इंस्पेक्टर के पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने साल का? वर्कमैन इंस्पेक्टर के पास टोटल एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए, और उस माइंस में, अरे यार कोई 5 2 इसमें का बहुत लोग गलत आंसर बता रहे हो, क्यों इसका? उस माइंस में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? उस माइंस में 2 साल का।